नमस्कार दोस्तों, जय गो माता मध्य पास जीवन गो विश्वासन सांस रघुनीशा भारद्वाज। आपने जैसा कई वीडियोस में भी देखा होगा कि राजस्थान में स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में जीपी का रोल है गो माताओं में बहुत ज़्यादा फैला है। आपको लगभग पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र में ये दिक्कत हो गई है कि गो माताओं के फोड़े निकल जाते हैं, उसी से खून निकल जाता है। इसका देखिए जो बाहर मेडिसिन मिली है उसका अभी तक नहीं देखा गया है, या इसलिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाया जा रहा है। इससे गोहर गो माता को लगभग हमारे जो पाली क्षेत्र की प्रत्येक गलियों में हर घर में जितनी भी जहाँ भी गो माताएँ मिल रही हैं उनकी सेवा भाव के लिए आयुर्वेदिक तरह का औषधि तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग संस्थान द्वारा और संस्थान में कई सदस्य जो मिले हुए हैं उन्होंने भी कई योगदान दिया है। इसमें लगभग 500 किलो आटा दिया गया है, 50 किलो हल्दी है और लगभग 10 से 15 किलो काली मिर्ची का प्रयोग किया गया है। तो इस सबका जो मिक्सचर बनाया जा रहा है, जिससे आटे को गूंथा जाता है, उस तरह से आटे को गूंथा जा रहा है और इसकी छोटी गोलियाँ होंगी वो हर प्रत्येक गौ माता को खिलाई जाएगी। लगभग कितनी मात्रा में आप समझ सकते हैं, क्वान्टिटी में हर एक गौ माता को खिलाई जाएगी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। आज हमारे संस्थान में इस योगदान में जुड़े हुए हमारे साथ में सुनील भारद्वाज जी, ये मंजू जी, इनके बाद में है रियम भैया, इनके बाद में है शक्ति सिंह जी, ये है लीजा जी और ये है रेनी जी। सब मिलकर अपना अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं गौ माता के लिए। इनकी डिलीवरी जो रोग है वो फैलने ना, आगे एक गौ माता से दूसरी गौ माता को ना बढ़े। देखिए मानव को शरीर हम लोगों को कुछ बीमारी होती है, हम एक दूसरे से कह सकते हैं कि इनमें दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, पर गौ माता बेजुबान है, किसी को अपने रोग का कोई दिक्कत नहीं शेयर कर पा रही है। तो हमारा मानवता एक प्रतिफर्ज बनता है कि एक छोटी सी पहल से हम सभी गौ माताओं की रक्षा करें, उनकी सेवा भाव करें। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारे तो फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा उनके लिए भी एक छोटा सा योगदान करें। आप सभी से भी निवेदन है कि आप इस तरह से अधिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मात्र जो आपकी गलियों में आपके घरों में जो गौ माताएँ आती हैं उनको सिर्फ एक रोटी पे लगभग आधा से एक चम्मच हल्दी डालकर उन गौ माताओं को खिलाएं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो आप सभी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।